राय द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इंग्लिश टीचिंग मेथड आरपीएससी द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित पार्ट 3। नेक्स्ट टॉपिक मनोविज्ञान के संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय प्रतिपादक विलियम वुंट टिचनर। कार्यात्मवादी संप्रदाय प्रतिपादक विलियम जेम्स ब्रैकेट में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक ब्रैकेट क्लोज एबिंग हॉस। इन्होंने 1885 ईस्वी में स्मृति शक्ति के संबंध में विस्मृति वक्र खींचे। जे ई मूलर अंतर्दर्शन पद्धति के प्रबल समर्थक। कार्यात्मवाद संरचनावाद की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक तथा अधिक व्यवहारिक संप्रदाय माना जाता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय प्रतिपादक एंजिल व डीवी। व्यवहारवादी संप्रदाय प्रतिपादक जॉन बॉड्स वाटसन। ये सिद्धांत रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलो के जांच परिणामों पर आधारित है। चिर सम्मत अनुकूलन सिद्धांत प्रतिपादक इवान पावलो। वस्तुनिष्ठता शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान। गेस्टाल्ट संप्रदाय पूर्ण सेंस की और शिक्षण पद्धति या अधिगम पद्धति इस संप्रदाय की ही देन है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय वियना के चिकित्सक सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित। फ्रायड की विचारधारा ने छात्र केंद्रित शिक्षा की सिफारिश की है। बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता देने की वकालत करके प्रारंभिक शिशु शिक्षा को प्रेरित किया। प्रेरकीय संप्रदाय जन्मदाता विलियम मैकडूगल। मैकडूगल की विचारधाराओं में आत्मसम्मान को विशेष महत्व दिया गया है। पेज नंबर 34। पहला संरचनावादी संप्रदाय। मनोविज्ञान के इस संप्रदाय के प्रतिपादन का श्रेय जर्मन प्रोफेसर विलहम वुंट को दिया जाता है। दूसरा कार्यात्मवादी संप्रदाय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स इसके प्रतिपादक थे। जेम्स ने अपने कार्यात्मवाद के सिद्धांत द्वारा व्यवहार और मानसिक जीवन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कार्यात्मवादी संप्रदाय का मुख्य बिंदु जीवन के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता क्या है। मानव व्यवहार मन और शरीर दोनों ही का प्रतिबल है। कार्यात्मवादी मनोविज्ञान का उद्देश्य यह है कि उन क्रियाओं को ज्ञात किया जाए जो कार्य करने की प्रेरणा देती है। क्रियाओं द्वारा कार्य करने की प्रेरणा देना अशारीरिक पद्धति। शरीर विज्ञान ही प्रत्येक क्रिया का कारण होता है। वह विभिन्न अवस्थाओं की पद्धति यह प्रायोगिक विज्ञान की पद्धति है। इसका उपयोग व्यक्ति के कार्यों के अध्ययन के लिए किया जाता है। सह अंतर्दर्शन पद्धति कार्य करने के लिए उन अतिरिक्त सूचनाओं को प्राप्त करने की विधि है जिन्होंने उस कार्य की प्रेरणा दी हो। जे ई मूलर इस पद्धति के प्रबल समर्थक रहे हैं। कार्यात्मवाद के गुण तथा शिक्षा में योगदान। कार्यात्मवाद को संरचनावाद की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक तथा अधिक व्यवहारिक संप्रदाय माना जाता है। कार्यात्मवाद पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है और बालकों को वही पढ़ाने की सलाह देता है जिसका उपयोग वे अपने नित्य प्रति के जीवन में कर सकें। कार्यात्मवादी संप्रदाय द्वारा दिए गए विचारों की सहायता से सीखने की पद्धतियों और तकनीकों को अधिक कार्यात्मक बनाया गया। मनोविज्ञान में व्यक्तियों को उनके वातावरण से समायोजन के अध्ययन हेतु कार्यात्मवाद ने रास्ता प्रशस्त किया। कार्यात्मवाद ने ही बाल मनोविज्ञान व्यक्तिक भिन्नता बुद्धि परीक्षण आदि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उप विषयों को सबसे पहले प्रस्तुत किया। तीसरा व्यवहारवादी संप्रदाय जॉन ब्रॉडस वाटसन ने व्यवहारवाद प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत संरचनावाद और कार्यात्मवाद से पूर्णतः विपरीत था। इसके अनुसार चेतना को किसी भी वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की पद्धति के रूप में व्यवहारवाद अपना ध्यान पूर्णतः प्रत्यक्ष अथवा प्रेक्षणीय दृश्य व्यवहार पर केंद्रित रखता है। वाटसन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद वास्तव में रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलो के जांच परिणामों पर आधारित है। पेज नंबर 35। वाटसन मुझे एक दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो और मैं उनकी निपुणता प्रवृत्तियों क्षमताओं व्यवसायों और उनके पूर्वजों के वंश की ओर ध्यान दिए बिना उनमें से किसी एक को लेकर किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ डॉक्टर वकील कलाकार प्रमुख व्यवसायी और हाँ यहाँ तक कि चोर या भिखारी बनाने का वादा कर सकता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान वस्तुनिष्ठता है। चौथा गेस्टाल्ट संप्रदाय मैक्स वर्दीमर कोफ्का एम कोहलर जर्मनी गेस्टाल्टवादी या समग्रवादी संप्रदाय के प्रवर्तक। जर्मनी में सर्वथा नए गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म हुआ। पूर्ण से अंश की और शिक्षण पद्धति या अधिगम पद्धति गेस्टाल्ट संप्रदाय की ही देन है। पांचवा मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय वियना के चिकित्सक सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया। फ्रायड से पहले व्यवहार का अर्थ केवल चेतन व्यवहार से लिया जाता था। अचेतन तथा पूर्व चेतन व्यवहार के शामिल हो जाने में से व्यवहार शब्द की संकल्पना और उसके क्षेत्र में काफी व्यापकता आ गई। फ्रायड की विचारधारा ने छात्र केंद्रित शिक्षा की सिफारिश की एवं बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता देने की वकालत करके प्रारंभिक शिशु शिक्षा को प्रेरित किया। फ्रायड के मनोविज्ञान ने मानसिक अस्वस्थता के निदान की राह दिखाई। किसी व्यक्ति के व्यवहार निर्धारण में तथा व्यक्तित्व को
निश्चित रूप देने के लिए व्यक्ति के जीवन में यौन की भूमिका को उचित महत्व प्रदान करने के लिए फ्रायड के मनोविज्ञान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रायड के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास के लिए चेतन के साथ ही अचेतन पर अधिक ध्यान रखना चाहिए। छठा है प्रेरकीय संप्रदाय। हार्निक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। इस शब्द का हिंदी रूपांतरण प्रेरक होता है। सभी कार्य उद्देश्य सहित होते हैं, अर्थात इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अर्थात प्रयोजन अवश्य होता है। विलियम मैकडूगल को प्रेरकीय संप्रदाय का जन्मदाता माना जाता है। मैकडूगल की विचारधाराओं में आत्मसम्मान को विशेष महत्व दिया गया। सातवां है सहचार्य संप्रदाय। जॉन लॉक मनोविज्ञान की इस विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस विचारधारा में स्पंदन एवं स्मृति में ज्ञात सहचार्य को स्वीकार किया गया है। विशेष व्यवहारवाद। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार में परिवर्तन करने अथवा उसे सुधारने के लिए दंड या पुरस्कार का उपयोग इस संप्रदाय की ही देन है। गैस्टाल्टवाद का मनोवैज्ञानिक समूह। मैक्स वर्दिमर कुर्त कोफ का वुल्फ गैंग कॉलर और कुर्त लेविन। रिकॉर्डिंग अजमेर। व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल नंबर 09414868659। आप इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑडियोज प्राप्त करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रिकॉर्डिंग अजमेर। वहां पर आपको संविधान, समसामयिक विषय, संस्कृत, जीके इत्यादि पर ऑडियोज हमेशा मिलेंगे। साथ में टेक्नोलॉजी संबंधित ऑडियोज भी वहां पर मिलते हैं। आप किसी भी पुस्तक की रिकॉर्डिंग करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7737868659। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम 6 बजे तक।